बहरहाल अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन, सीएम की नाक के नीचे में बेनकाब होने वाले ओम प्रकाश कश्यप पर शिक्षक संघ ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश कश्यप एबीपी न्यूज के कैमरे में रिश्वत की डीलिंग करते हुए कैद हुए थे। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इन सबके बीच उनकी पुरानी करतूतें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे में बेनकाब होने वाले ये शख्स हैं ओम प्रकाश कश्यप। इनके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव की कुर्सी संभालने से पहले कई अहम पदों पर तैनात रहे। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कश्यप का रुतबा कम नहीं हुआ। आरोप है कि मायावती और अखिलेश सरकार में इनकी पहुंच सीएम ऑफिस तक थी और उस वक्त भी ये इसी अंदाज में रिश्वत के पैसों की डीलिंग करते थे, लेकिन कभी कैमरे की पकड़ में नहीं आए। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में ओम प्रकाश कश्यप का चेहरा सामने आया तो इनसे पीड़ित रहे कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए जिनके आरोप बेहद सनसनीखेज हैं। आरोप है कि मायावती के कार्यकाल में ओम प्रकाश कश्यप ने शिक्षकों की भर्ती के नाम पर 60 लाख रुपए लिए। तब कश्यप मायावती के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के निजी सचिव के पद पर तैनात थे। ओम प्रकाश कश्यप यह हमारे टीचरों से मिला, संगठन से नहीं मिला, टीचरों से मिला, मिलकर के टीचरों से पैसा दोहन किया और आज तक पैसा नहीं दिया। उनके खिलाफ हम FIR कराने भी जा रहे हैं, हमारे टीचर तमाम जगह FIR कराएंगे हैं कि इस तरह से ये दोहन करता रहा और आज जो है स्टिंग ऑपरेशन जो 3 दिन पहले चला है जिसमें यह फंसा हुआ है, निश्चित रूप से इसको जेल नहीं, जेल से भी बुरी जगह जाना चाहिए। कुछ शिक्षकों से संबंधित मामला 2011 में ऐसा संज्ञान में आया कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों के कुछ शिक्षक इनसे संपर्क करके अपनी विभिन्नीकरण की समस्या को लेकर के शासन में घूम रहे थे और शासन में घूमने के दौरान ही ओम प्रकाश कश्यप से उन शिक्षकों की मुलाकात हुई। उन शिक्षकों को इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों का काम करा देंगे, विभिन्न करा देंगे। आरोप ये भी है कि कश्यप ने काम कराने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लिए और फिर उन्हें ठेंगा दिखा दिया। पीड़ित लोगों का दावा है कि लखनऊ में कश्यप के कई मकान और प्लॉट हैं। हर सरकार के दौर में उनकी तैनाती रसूखदार पदों पर होती रही, लेकिन एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में कश्यप का सच सामने आते ही उन पर निलंबन की गाज गिर गई और उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला भी दर्ज हो गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।